स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। हम कई चमत्कार के दावों की पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे कुंड के पानी के बारे में बताएंगे जिसमें एक नहीं कई चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। ये पानी आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकता है। सिर्फ इस पानी में नहाने से आपकी जिंदगी चमत्कारी तरह से बदल जाएगी। आज हम ऐसे ही चमत्कारी कुंड के राज से पर्दा हटाएंगे। जगह हरदोई, जहां पर है एक ऐसा चमत्कारी कुंड जिसके चमत्कारों ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इस कुंड का लोहा माना था। ये कुंड कैसा दिखाई देता है, किसने इसे बनाया था, इसके चमत्कार क्या हैं, और क्या ये चमत्कार आज भी काम करते हैं? आज अगले कुछ मिनटों में इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। सैकड़ों साल पुराना चमत्कारी कुंड। इस कुंड के पानी में है कई शक्तियां। क्या है इस चमत्कारी कुंड का राज? मृत्यु लोक के मुकदमे हरने वाली धारा। इस तालाब का पानी देखने में बिल्कुल आम पानी की तरह है, लेकिन ये पानी चमत्कारी है। इस पानी में एक नहीं बल्कि कई चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। ये पानी हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है। ये पानी आप पर लगे मुकदमों से छुटकारा दिलाएगा। इस चमत्कारी तालाब का पानी है हर मर्ज की दवा। यकीनन आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या कोई तालाब का पानी आपको बालक हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या से मुक्ति दिला सकता है? क्या ये चमत्कारी पानी शरीर की हर बीमारी से निजात दिला सकता है? क्या किसी कुंड में सिर्फ नहाने से आपकी गलती से की गई गलतियां माफ हो सकती हैं? तो यकीनन इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस शहर के तालाब में ऐसे पानी की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस कुंड का पानी हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है और इसमें नहाते ही सभी चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इस पानी में नहाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में हमने भी फैसला किया कि इस तालाब की सच्चाई को उजागर करें। कानून की धाराओं को कमजोर करने वाला कुंड। बड़ी अदालत में मुकदमों से मिलती है मुक्ति। चमत्कारी कुंड में केस साफ होते हैं, उसकी अदालत में गुनाह माफ होते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलता है, लेकिन इस कुंड का चमत्कारी पानी आप पर लगे इस जन्म के पापों को मिटाने वाला था। इस पानी में नहाते ही आपके इस जन्म के गुनाह माफ होने का दावा था। आपने जो गलतियां की वो सब क्या बस यहाँ पर नहाने से मिटने वाले थे? क्या वाकई इस तालाब का पानी वैसा ही चमत्कारी है जैसा दावा किया जा रहा है? आज इस कुंड के पानी के चमत्कार की सच्चाई का टेस्ट होने वाला है। बने रहिए। अपने आप में तमाम रहस्य समेटे है ये कुंड। जिन्हें यहाँ से जुड़े किस्सों की जानकारी नहीं है, उनके जहन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस सुंदर कुंड के पानी में ऐसा क्या है जिसे चमत्कारी कहा जा सकता है। इसे जानने के लिए उस कथा को जानना बेहद जरूरी है जिस पर लाखों लोगों की आस्था है। क्या ये कुंड वैसा ही चमत्कारी है जैसा दावा किया जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। चमत्कारी कुंड की कहानियां हमारे मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। बिना कुंड के पास जाए इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते थे। हमने हरदोई के अपने सहयोगी को कुंड के पास जाने के लिए कहा। मनोज तिवारी हरदोई के ही रहने वाले थे, इसलिए उनको इस कुंड के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन सच्चाई कैमरे के तराजू पर कसनी थी, आप तक पहुंचानी थी। इसलिए मनोज उस चमत्कारी कुंड के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर के उन्होंने जो पाया, जो कहानियां सुनी, जो अपनी आंखों से देखा, जो लोगों की लाइव गवाहियां कैमरे पर रिकॉर्ड की, वो हैरान करने वाली थी। हमें जितने भी लोग मिले वो सब उस चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। जिसके मुरीद कभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे, राजा हरिश्चंद्र कभी झूठ ना बोलने के लिए जाने जाते थे, तो आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सच का लिटमस टेस्ट कैमरे के सामने होने वाला था। भगवान राम ने जो बताया हरिश्चंद्र ने वही पाया। भगवान राम ने भी कुंड के चमत्कार को नमस्कार किया। राम कुंड की शरण में आए, उसके बाद खुद को लांछनों से बचा पाए। क्या है इस चमत्कारी कुंड का रहस्य? इस दावे में कितनी सच्चाई थी, इसका पता लगाने के लिए हमारे सहयोगी जब वहां पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात इस तीर्थ के पुरोहित से हुई। उनका मानना था कि हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तो उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। उस पाप को मिटाने के लिए भगवान राम इस सरोवर में स्नान करने आए थे। बताया जाता है कि तब से यहाँ पर मान्यता चली आ रही है कि जो इस स्थान पर आकर के स्नान करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारा, सभी जानते हैं रावण के मारने से उनको ब्रह्म हत्या लगी। जब अयोध्या में आए हैं
वशिष्ठ ने बताया तुम ब्रह्म हत्यारे हो, तुम्हारे दाहिने हाथ में दाग और बाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा ये ब्रह्म हत्या जाएगी प्रभु कैसे? तो वशिष्ठ ने कहा है कि आप नैमिषारण क्षेत्र को जाओ। नैमिषारण तीर्थ को इसलिए बताया है, यहाँ पर 84 कोस के अंतर्गत सारे संसार के जितने भी तीर्थ हैं दधीचि को स्नान कराने के लिए आए हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम फाल्गुन के महीने में यहाँ पर आए हैं। आज भी लाखों की तादाद में संत और ग्रहस्थ इस पूर्ण स्थल पे आकर के तीर्थ में आकर के स्नान करते हैं, अपने मनसा वाचा कर्मणा का पाप धोते हैं। ये पाप मोक्ष हरण है, यहाँ यात्री आते हैं, पापों का निवारण करते हैं। सभी यहाँ पे ऐसा शिवलिंग है जो कौरव पांडव यहाँ पे आए हैं अपनी गोद हत्या निवारण करने के लिए। शिव पुराण में है इस कुंड का राज, सभी पापों से मोक्ष प्रदान करता है ये तीर्थ। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने इसी कुंड से पाया था मोक्ष। जब हमने इस तालाब से जुड़ी कथाओं को जानने का प्रयास किया तो कई बातें सामने निकल कर आई कि इस कुंड की कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ये चमत्कारी कुंड एक नहीं बल्कि तीन नामों से जाना जाता है। समय प्रेजेंट हालत में हत्याहार तीर्थ के नाम से मशहूर है। इसके तीन नाम हुए हैं। पहला शिव शक्ति के द्वारा प्रभास्कर को, जिस समय ताड़कासुर उत्पात किया है भोलेनाथ के पुत्र ने गणेश जी ने ताड़कासुर का समाप्त किया है। उसके बाद में वो तपस्या करने के लिए नैमिषारण क्षेत्र में आए तो प्यास लगी पार्वती जी को, तो सूर्य की किरणों से जल प्राप्त किया, तब इसका नाम प्रभास्कर कुंड हुआ। क्योंकि सूर्य की किरणों से जल प्राप्त हुआ तो सूर्य का नाम प्रभास्कर है, उसी के नाम से भोलेनाथ ने प्रभास्कर कुंड नाम रखा है। वो भादों के हर इतवार को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर के अपने मनसा वाचा कर्मणा का पाप धोते हैं। फिर इसका दूसरा नाम ब्रह्म कुंड हुआ, मनसा का पाप ब्रह्मा जी को लगा है। तीर्थ के तीन नाम हैं। पहला नाम इसका भास्कर क्षेत्र हुआ, सूर्य नारायण की किरणों से जल प्राप्त हुआ और तब भास्कर नाम हुआ। इस सरोवर के निर्माण के बारे में शिव पुराण में वर्णन है, तपस्या करते हुए माता पार्वती को प्यास लगी। जंगल में कहीं जल ना मिलने पर उन्होंने देवताओं से पानी के लिए कहा, तब सूर्य देवता ने एक कमंडल जल दिया। देवी पार्वती ने जलपान करने के बाद शेष बचे हुए जल को जमीन पर गिरा दिया। तेजस्वी पवित्र जल से वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ। इस तीर्थ का बहुत महत्व है, बहुत ही पौराणिक महत्व है। यहाँ पे पांडवों ने जो है 18 दिन की लड़ाई के बाद में यहाँ पे शिव की स्थापना की थी और जितनी हत्याएं लगी थी उस पाप को धोने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। न जाने कितने अनगिनत सैकड़ों हजारों लाखों भक्त आके दर्शन करते हैं और यहाँ का महात्म्य यही है कि यहाँ सब लोग आके अपने जो है अपने पापों से मुक्ति के लिए जो है ईश्वर के सम्मुख झुकते हैं और इस तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं। और इसके अलावा भगवान श्री राम जी भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए इस स्थान पर स्नान किया था जिसके बाद उनके पापों का क्षीण हो गया था। कुछ सवाल अब भी हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उन सवालों को आस्था की नजर से देखते हैं। काल बीतते रहे, द्वापर में ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डालने पर पाप लगा। उन्होंने इस तीर्थ में आकर के स्नान किया तब वो पाप मुक्त हुए। त्रेता युग से आज तक इस स्थान का नाम हत्याहरण कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्नान करने से हत्या तक का पाप नष्ट हो जाता है। इस तीर्थ में स्नान करने के लिए कई प्रदेशों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर मानसिक शारीरिक और कर्मों के द्वारा किए पाप कर्मों से मोक्ष पाते हैं। हत्याहरण तीर्थ को लेकर के हमारी टीम के सामने चौंकाने वाले खुलासे सामने आते रहे हैं। इस कुंड का जहाँ पौराणिक महत्व है वहाँ इस कुंड में जो जल है उसका औषधीय गुण भी बहुत व्यापक स्तर पर है ऐसा माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है और पुराणों में भी वर्णन है कि राजा हरिश्चंद्र को जब कुष्ठ रोग हुआ था तो उन्होंने इसी कुंड में स्नान किया था और जिसके बाद से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी भी माना जाता है और इसीलिए इस कुंड की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। लोगों का मानना है कि अगर यहाँ किसी को चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है और वो लगातार एक महीने इसी हत्याहरण तीर्थ के कुंड में स्नान करे तो उसका ये रोग दूर हो जाता है। इसको लेकर के भी यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अक्सर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और जो उनके मानसा वाचा कर्मणा पाप हैं उनसे भी मोक्ष मिलती है और जो शारीरिक विकार हैं वो भी दूर होते हैं। हमारी पड़ताल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस कुंड से जुड़ी कथाओं में भगवान राम के यहाँ आने की प्रामाणिकता मिलने के बाद से लोगों की आस्था इस चमत्कारी कुंड में थी, लेकिन हत्या के दोष से मुक्ति दिलाने के साथ ही
इस कुंड के जल में औषधीय शक्तियां भी मौजूद थी। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ राजा हरिश्चंद्र का दूर हुआ था कुष्ठ रोग। यहाँ नहाने से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट, चर्म रोगों से मुक्ति दिलाता है ये कुंड। हमारी पड़ताल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। हत्या के दोष से मुक्ति दिलाने के साथ ही इस कुंड के जल में औषधीय शक्तियां भी मौजूद थी। इस जल में स्नान करके लोग चर्म रोग से छुटकारा पा रहे थे। यहाँ के लोगों के मुताबिक पुराणों में जिस समय राजा हरिश्चंद्र कुष्ठ रोग से ग्रसित थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर के स्नान किया और उन्हें चर्म रोगों से छुटकारा मिल गया। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी माना जाता है। आज भी यहाँ पर ऐसी प्रमाणिकताएं हैं कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति यहाँ एक महीने स्नान करे तो उसे चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हरण तीर्थ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ इसी तीर्थ के पास विचरण कर रहे थे और शिव को प्यास लगी तो उन्होंने यहाँ पर इस तीर्थ की स्थापना की थी, जिसके बाद से इसका पौराणिक महत्व बढ़ गया। त्रेता में भगवान राम ने जब रावण का वध किया था और उसके बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वो ब्रह्म हत्या का पाप का मोक्ष पाने के लिए इसी हत्याहरण तीर्थ पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था और उस ब्रह्म हत्या के जो पाप थे वो धुले थे। इसके बाद द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने जब नैमिषारण्य में सूत जी का वध किया था तो उसके बाद उनको जो पाप लगा था उस पाप से मोक्ष पाने के लिए बलराम ने इसी हत्याहरण तीर्थ में स्नान किया था, जिसके बाद उनके पापों का क्षरण हुआ था। पौराणिक महत्व ये भी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को कुदृष्टि डाली थी और उनको जो मानसिक पाप लगा था उस मानसिक पाप से क्षरण के लिए इसी हत्याहरण तीर्थ में स्नान किया था, जिसके बाद से उनको उस पाप से मुक्ति मिली थी। तो ये हत्याहरण तीर्थ है, यहाँ पर धार्मिक और पौराणिक महत्व है। यहाँ पर भादो मास में जो मेला लगता है और जो हर रविवार को मेला लगता है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद जो किसी भी प्रकार का जो मनसा वाचा कर्मणा पाप होते हैं उनका क्षरण हो जाता है। इस कुंड से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं में भगवान राम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर आने की प्रमाणिकता मिलने के बाद से लोगों की आस्था इस चमत्कारी कुंड में थी। श्रद्धालुओं का मानना था कि यहाँ पर नहाने के बाद सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और साफ सुथरे मन से आप आगे का जीवन जीने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस सरोवर से जुड़ी कथाएं और लोगों की आस्था इस बात का प्रतीक है कि इस सरोवर में नहाने से आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। दावा यह भी है कि इस कुंड का पानी इतना चमत्कारी है कि इसमें की सारी चर्म रोगों को वो चुटकी में जड़ से खत्म कर देता है। लोगों की मान्यता के हिसाब से कुएं का पानी हमें भी चमत्कारी लगने लगा था। इस चमत्कारी कुंड का पानी लोगों को नया जीवन दे रहा था। बेशक विज्ञान की नजरिए से देखें तो इनके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्क को आजमाना भी जायज नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोगों की आस्था इस चमत्कारी कुंड में आज भी है। इस चमत्कारी कुंड का पानी लोगों को नया जीवन दे रहा था। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।